SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान के अस्पताल रोड से पकड़ी बंगाली मोड़ तक हटाया गया अतिक्रमण। सिवान शहर के मुख्य सड़कों पर जाम और अतिक्रमण के कारण रोजाना राहगीरों व वाहन चालकों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर शुक्रवार को अचानक सदर SDO श्री रामबाबू बैठा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी दलबल के साथ बुलडोजर लेकर शहर के अस्पताल रोड पहुंचे और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। शहर के अस्पताल मोड़ से पकड़ी बंगाली मोड़ तक फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान JCBC से पक्की सीढ़ियों को तोड़ा गया, वहीं झोपड़ी व गुमटियों को भी हटाया गया। करीब 2 घंटे तक चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद मुख्य सड़कें चौड़ी दिखने लगी। पर अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों के आगे लगे होर्डिंग बोर्ड व एस्बेस्टर लगाकर किए गए अतिक्रमण को JCB से तोड़वा दिया। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए सदर SDO ने कहा कि अगर दोबारा अतिक्रमण हुआ तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कानून समेत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में सड़क के फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान नाला तक दुकान लगाए दुकानदारों को तो प्रशासन ने राहत दे दिया, लेकिन इसके बाद जिनकी भी दुकानें रखी हुई पाई गई उन दुकानों को हटा दिया गया। टीन शेड बुलडोजर लगाकर तोड़ दिए गए। कई जगहों पर दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास भी किया, हालांकि प्रशासन की सख्ती के चलते वह विरोध नहीं जता सके। कार्रवाई के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी रवि कुमार, पचरुखी CO धर्मनाथ बैठा, सदर CO ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, नगर थाना के SI अजय कुमार द्विवेदी सहित पुरुष व महिला बल व नगर परिषद के कर्मी मौजूद थे। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।